हेलो अस्सलाम वालेकुम, आईजी कंप्लेंट सेल 1787 से मिस अनिला बात कर रही हूँ, बताएं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? जी सर अली, बताएं क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी। जी सर, नॉन एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है आपकी। जी सर, आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही, अपने तफ्तीश अफसर से नहीं मुतमिन आप सर। जी सर, अपना एफआईआर नंबर बताइएगा सर। क्या सर, आप बार बार जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, आपकी कार्रवाई नहीं की जा रही है? अच्छा, तीन बार गए हैं आप पुलिस स्टेशन लेकिन आपकी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस के अगेंस्ट शिकायत, वो भी पुलिस ही को, किस तरह आप मेक श्योर करेंगे कि लोगों को इंसाफ मिल सके, लोगों की जो शिकायत है उनको रिजॉल्व किया जा सके? आवाम क्या कह रही है 1787 जो एक नया नंबर आप लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, क्या रिस्पॉन्स है आवाम का? नाज़रीन, अगर आपको किसी से कोई शिकायत हो तो आप पुलिस से राबता करते हैं, लेकिन अगर आपको वही शिकायत पुलिस से हो जैसे कि आपकी दुरुस्त दरख्वास्त पर एफआईआर के इंदराज से इनकार, झूठी एफआईआर का इंदराज, नाकिस तफ्तीश, सही काम पर भी पुलिस एहलकार की जानिब से ताखीर, या किसी मासूम शहरी को, किसी बेगुनाह को किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना, या किसी को गैर कानूनी हिरासत में रखना, तो इन तमाम मसाइल के अजाले के लिए आईजी ऑफिस में कंप्लेंट सेल मौजूद है। 1787 पर पुलिस से मुतलक दर्ज कराई गई शिकायत को किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम टू द पुलिस लॉ। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एआईजी कंप्लेंट्स डॉक्टर रिजवान साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि शिकायत पुलिस के अगेंस्ट, वो भी पुलिस को, रिसेंट डेज में सुना गया कि 8787 का नंबर तब्दील कर दिया गया, सर नया नंबर क्या है हमारे नाज़रीन को बताइएगा, और सर शहरी किस किस टाइम कॉल कर सकते हैं और उसका क्या मैकेनिज्म है? जी 1787 नया नंबर है, पहले 8787 जो हुआ करता था जिस पे आप अपनी शिकायत यहाँ मौसूल कराया करते थे, अब वो नंबर चेंज होकर 1787 हो गया है। 1787 जो हुआ है वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर हुआ है। अब ये 30 जून के बाद से यही नंबर 1787 शिकायत के लिए जो है वो यूज़ होगा। उसमें किस किस्म की शिकायत है वो पहले भी आपको मालूम है, मैं दोबारा रिट्रेट कर देता हूँ। अगर आपकी एफआईआर नहीं हो रही और आपकी काबिल दस्तंदाजी जो है वो आपका जुर्म है, अगर तफ्तीश आपकी ठीक नहीं हो रही है, पुलिस ने किसी किस्म से आपको गलत गिरफ़्तार कर लिया है, गलत पर्चा दे दिया है, आपको हबसे भेजा में रखा है, और किसी किस्म की हाई हेडेंडेस की है, उस तमाम की कंप्लेंट जो है वो इस सेंटर में की जा सकती है, और यहाँ सेंटर में बाय कॉल्स, बाय एसएमएस, बाय ईमेल्स यहाँ पे रिसीव होती हैं और फिर डिस्ट्रिक्स के अंदर भेज दी जाती हैं जवाब के लिए। पुलिस के अगेंस्ट शिकायत, वो भी पुलिस ही को, किस तरह आप मेक श्योर करेंगे कि लोगों को इंसाफ मिल सके, लोगों की जो शिकायत है उनको रिजॉल्व किया जा सके? पुलिस एक जो है ना वो एक डिसिप्लिन फोर्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। पुलिस एक शख्स का नाम नहीं है, किसी एक फर्द का नाम नहीं है, किसी एक टीम का नाम नहीं है, ग्रोह का नाम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिपाही से लेकर जो है वो आईजी तक एक हायरार्की बनी हुई है और एक सिस्टम बना हुआ है शिकायत करने का, जिसको पुलिस रूल्स हमारे और जो जितने भी रूल्स पुलिस ऑर्डर और जितने भी रूल्स गाय बगाए और स्टैंडिंग ऑर्डर्स आते रहते हैं वो सिस्टम को इन्हेंस करते हैं, इसको स्ट्रेंथन करते हैं कि पुलिस के बारे में जो शिकायत हैं उसको जो है वो किसी सीनियर अफसर को किया जाए जो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करे, गिल्टी पाने वाले को जो है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो, अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर या कानूनी कार्रवाई भी की जाए। एक जो शिकायत है वो जब आप तक रिपोर्ट हो जाती है कितना टाइम लाइन उसे चाहिए होता है कि आप उसके इशू को रिजॉल्व कर सकें, अगर वो शिकायत ठीक है तो? देखें, हमारे पास बहुत तरीके की शिकायत आती है, मैंने बताया आपको कि सबसे ज़्यादा शिकायत हमारे पास आती है 1/5 के बाद जो शिकायत दर्ज होती है हमारे पास होती है, और वो शिकायत है वो की है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की। पहले तो हम बताते हैं कि ये जो 1787 है ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नहीं है बल्कि ये शिकायत सेल है। अगर आपकी इमरजेंसी हेल्पलाइन 1/5 पे नहीं सुनवाई हो रही है या इसके अलावा आपकी कंप्लेन है तो आप हमें कर सकते हैं, और हमारा फिर टाइम लाइन मुकर्रर है कि भाई 24 घंटे में एसडीपीओ ने उसको फ़ोन करना है कंप्लेनेंट को, 48 घंटे में उसकी मीटिंग होनी चाहिए और विद इन 3 डेज़ उसने जो है अपना मामला रिजॉल्व करना है। हफ्ते भर के टाइम के अंदर एट मैक्सिमम उसने अपनी रिपोर्ट भेजनी है जिसमें उसका मसला हल हुआ या नहीं हुआ, उसकी जो फरियाद थी, उसकी जो एप्लीकेशन थी वो सच्ची थी या झूठी थी, हकायक में मबनी थी, पुलिस को रेलेवेंट थी या नहीं थी। हमारे पास बहुत सारी चंक ऑफ कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं जो कि पुलिस को रेलेवेंट नहीं होती लेकिन हम उसमें से वो जो पुलिस को पर्टेन करती हैं वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाकी जाहिर बातें वो डिस्कार्ड हो जाती हैं। आवाम क्या कह रही है 1787 जो एक नया नंबर आप लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, क्या रिस्पॉन्स है आवाम का, क्या लोगों?
प्रीवियस 8787 और अब का 1787 जो है वो एक कामयाब तजर्बा है पंजाब पुलिस का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। और उसकी वजह मैं ऐसे बताऊँ आपको कि पिछले साल सिर्फ 113,000 कॉल मौसूल हुई और अभी वो तादाद जो कॉल्स की है वो बढ़ रही है, हर रोज़ बढ़ रही है। आज हम खड़े हुए हैं तो ये अगर डैशबोर्ड कोई दिखाएं आपको तो ये 58,200 कॉल्स पे खड़े हुए हैं। अभी हम जून का महीना हमने क्रॉस किया है तो हम 58,000 कॉल पे पहुंच गए हैं और ये पहुँचते मेरा ख्याल है कि 130 के करीब जाएगी, यानी बतदरीज इसके अंदर इजाफा हो रहा है और लोगों को यकीन बढ़ रहा है। सिर्फ पिछले महीने और इस महीने का अगर हम कंपैरिजन करें तो हर महीने जो पिछले 5 महीने हमारे पास है ना, मई और जून तक, मई तक हमारे पास 6,100 तक कॉल्स आती थी। इस महीने एक जो उसकी हमने उसको टेकअप किया है, कुछ फोरम्स पे उसकी पब्लिसिटी की है, कुछ रिस्पांस को बेहतर किया है, तो वो अचानक से 2,000 कॉल का एक हमारे पास एक इंक्रीज़ आया है। यानी जून के महीने के अंदर जो है वो आप ये देखें कि 8,000 कॉल्स से अचानक कॉल्स जो हैं वो 12,000 पहुंच गई हैं। ये पर मंथ कॉल्स हैं, पर मंथ कॉल्स हैं ये कॉल्स, देखें ना एक रेशो आ रहा है 8,000, 9,000, 8,000, 9,000, इस महीने अचानक शिफ्ट होकर वो 12,000 के ऊपर पहुँच गया है। टोटल कॉल्स 58,000 के अंदर से 48,000 जो हैं वो क्लोज हो गई हैं, रिजॉल्व हो गई हैं और इन प्रोसेस जो है वो 11,000 कॉल्स हमारी इन प्रोसेस हैं। इसका मैकेनिज्म जो है उसमें लोगों को रिलीफ मिलने का एक हमारे पास और ज़रिया है कि हमने कितनी FIR करवा दी, क्योंकि हमारी कंप्लेंस के अंदर से तकरीबन 70% कंप्लेंस जो हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से पर्टेन करती हैं, तकरीबन 20% जो है वो इन्वेस्टिगेशन से करती हैं, वो 10-1% जो है वो पुलिस हाई हाइडनेटनेस से करती हैं। उसके अंदर आप इससे इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा एवरेज जो चल रहा था FIR दिलवाने का वो कोई 1100 के आसपास चल रहा था, तो इस महीने वो क्रॉस कर गया है 2000 को। तो जैसे जैसे फैसिलिटी, जैसे आजी साहब का इनिशिएटिव है, इस फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा लाइंस ली जा रही हैं, ज़्यादा ऑपरेटर्स बिठाने का इरादा है और इसकी मॉनिटरिंग बढ़ाने का इरादा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक अच्छा रेमेडी होगा लोगों के लिए दादरसी करने के लिए। अच्छा, 1787 पे जब बंदे ने कॉल कर दी, किसी कंप्लेनेंट ने कॉल कर दी, आपके ऑफिस से कॉल भी चलेगी, मुतलका ऑफिसर को बता भी किया, आप किस तरह ये मेक श्योर करते हैं कि उसको उसका मसला सॉल्व हुआ है, क्या उससे कोई फीडबैक भी लिया जाता है? जी बिल्कुल, ये तमाम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसमें से मखसूस कोई 4 सी सेट से ऐसी हैं जो दिन भर हमारी जो कॉल प्रायोरिटी वाइज, मैंने प्रायोरिटी आपको पहले बताई कि जी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो गई है, पुलिस हाई हंडेडनेस है, इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है। प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक हम उन एप्लीकेंट को फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी आपको फ़ोन आया, आप गए, आपकी मीटिंग हुई, क्या मुतालिका DSP आपसे खुद मिला, और अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा होता तो हम मिसकंडक्ट निकालते हैं, उस DSP के खिलाफ जो है वो डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट करवाते हैं, उसके रेलेवेंट जो DPO है, उसके रेलेवेंट जो RPO है, उनको लिख के भेजते हैं और वहाँ से उनके लिए शो कॉज और एक्सप्लेनेशन जारी होती हैं। अच्छा, 1787 तो एक वाया फ़ोन एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि लोग इन्फॉर्म कर सकें, इसके अलावा अगर किसी की फिजिबिलिटी है, कोई ईजी फील कर रहा है कि आके करवाना चाहे, या कोई और वे है इसका आपको आपको अप्रोच करने का? छोटी सी बात करते हैं, अपने कंप्लेंट जो मैनेजमेंट मैकेनिज्म है हमारा, तो हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म जो है उसके अंदर बहुत सारे फोरम्स हैं। सिर्फ IG और पुलिस का सिस्टम ले लें आप, तो राइट फ्रॉम दी ऑफिस ऑफ हेड मॉरर, वहाँ जो एप्लीकेशन दी जाती है वहाँ से लेकर SHO और फिर DSP और फिर मुतालिका DPO, RPO और एडिशनल IGs, और उसके बाद जो है वो IG ऑफिस के अंदर एक खुली कचहरी है जहाँ पे लोग खुद पेश होते हैं और अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो लिखी हुई वहाँ हमें देते हैं, और उसका हम उसी वक्त उनको कॉल्स करते हैं, उनकी मुलाकात करवाते हैं, उनका मसला करने की कोशिश करते हैं। 1787 के ऊपर कॉल्स भी आती हैं, ईमेल्स भी आती हैं, SMS मैसेजेस भी आते हैं, तो उस जरिए से भी हमारे पास भरपूर कॉल्स जो हैं मौसूल होती हैं। तीसरा मैकेनिज्म जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है PMDU, वहाँ से हमारे पास लातादाद हमारे पास आ रही होती हैं कंप्लेंट्स, कोई 600 के करीब पर डे आ रही होती है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास वो लोग जो बजरिया डाक भेजते हैं वो भी इसी 1787 के थ्रू जो है वो रिसीव हो रही होती हैं, यहाँ से उनको टैग नंबर लग के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जा रहे होते हैं। पुलिस का IG साहब का ये अव्वलीन जो है ना, वो कहते हैं ना कि पहला जो उनका वो है कि जिस पे लोगों को सर्व करना चाहते हैं, वो ये है कि लोगों की कंप्लेंट सुनी जाए, उसका प्रॉपर हल निकाला जाए
और कहीं ना कहीं से लोगों को हर जगह से जहां मुमकिन हो वहां रिलीफ दिया जाए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेसिकली। अच्छा रिजवान साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक बड़ा चंक जो 15 पे लोग कॉल्स करते हैं वो फेक कर देते हैं, क्या ये होता है कि लोग एजी कंप्लेंट्स के पास अपनी जो एप्लीकेशंस लेके आते हैं या 1787 से जो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो फेक होती है, और अगर फेक होती है तो उस पर कोई एक्शन भी लिया जाता है? देखिए जी, अब हमारा जो एक माशरा ना, हम एक टैलिटी की तरह देखेंगे, हम पुलिस जो है वो इस पाकिस्तान से, इस माशरे से अलग नहीं है, हम इसी माशरे का हिस्सा हैं, इसी से हम बिलोंग करते हैं, हमें अंदाज़ा होता है, हम यही जॉब के अंदर साला साल से ये चीज़ों को महसूस करते रहते हैं, हम क्लाइंट को डील करते हैं। जब एक कंप्लेंट हमारे पास आता है, या वो सच्चा होता है या झूठा होता है, तो हमारे पास 15 कंप्लेंट की तरीके से हमारे पास भी लार्ज चंक ऐसी एप्लीकेशन आती है जो कि हकीकत में मबनी नहीं होती, या उनके अंदर फैक्ट्स जो हैं वो एप्लीकेंट ने अपने लिहाज से अपना वर्जन लिखा होता है, फैक्ट्स जो है वो दोनों पार्टियों के वर्जन सुनने के बाद सामने आते हैं। तो ऐसी कंप्लेंस का हम की करा ये जाता है कि उनको DSP सुनवाया जाता है, जो जहाँ पे फैसला करते हैं, अगर DSP से मुतमईन नहीं होते तो मुतलका DPO और RPO से फैसला करवाया जाता है, और वहाँ अगर चीज़ गलत आए तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनका जो उनकी जो कंप्लेंट है उसको क्लोज कर दें। अभी तक उस पर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई हमारे पास अहकाम जारी नहीं हुए, और करते भी हम नहीं हैं, लेकिन जाहिर बात है कंप्लेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म का ये मंतकी अंजाम है कि जब कंप्लेंट्स हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हमें मैनेजमेंट करने के लिए देखना पड़ेगा कि कहाँ कोई कंप्लेंट ऐसा तो नहीं, कोई अपना घर सेटल कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी को परेशान कर रहा है, तो वहाँ पर ये इकदाम भी लिए जाएंगे। हाँ अच्छा रिजवान साहब, मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई शख्स अपनी आइडेंटिटी हाइड करके कोई कंप्लेन करना चाह रहा है, आइदर अगेंस्ट द पुलिस या अगेंस्ट अ पर्सन, क्या कोई आप मेक श्योर करते हैं कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो हाइड रखी जाए? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है, और ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा ये वाला। अगर तो कंप्लेन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के लिए हैं तो आपको मुदई की ज़रूरत है, तो आपकी जो आइडेंटिटी है अगर वो हाइड हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी FIR कानूनी अमल जो है प्रोसेस वो शुरू नहीं हो पाएगा। अगर वो कंप्लेन किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ है और स्पेसिफ़िक है कि उसने मुझसे फ़लाँ जगह के ऊपर रोक के दौरान तलाशी पैसे निकाल लिए, तो अब उसके लिए इंक्वायरी कंडक्ट होनी है, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि मुदई चाहिए। लेकिन अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन है या अगर वो कोई सजेशन है तो वो बाकायदा अपनी आइडेंटिटी छुपा के दिया सकता है, जैसे कि वो अगर वो किसी मार्केट में या किसी जगह पे मंशियात फरोशी के बारे में इतला देना चाहता है, वो अगर किसी जुए के बारे में इतला देना चाहता है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो किसी के बारे में कंप्लेन कर रहा है और किसी शख्स के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में कर रहा है, तो उसकी अपनी मुदैया शामिल करना पड़ेगी, अदरवाइज़ कानूनी तौर पे हम उसको इंटरटेन नहीं कर सकते। कुछ लोग शिकायत करना चाह रहे होंगे 1787 पे, लेकिन कुछ लोग उन्हें थोड़ा जेन में एक डर भी होता है कि हम कंप्लेन करने जा रहे हैं, पुलिस के अगेंस्ट ही कंप्लेन करने जा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे 1787 पे कॉल करने के हवाले से या आपको अप्रोच करने के हवाले से रिगार्डिंग कंप्लेंट अगेंस्ट पुलिस? मैं उनको बताऊँगा कि दौर बदल चुका है, पुलिस बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी ओपन है, बड़ी ट्रांसपेरेंट है। डू कॉल ऑन 15, डू कॉल ऑन 1787, आपको ज़रूर कॉल करना चाहिए, हमें ज़रूर बताना चाहिए, हम अपनी इसलाह के लिए बैठे हैं इधर, यहाँ पे आपकी आने वाली कॉल के ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी में अगर आपकी बात ठीक है तो सज़ा और जजा का सिलसिला शुरू किया जाएगा और डिपार्टमेंटल एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो मीडिया से लोग मुंसलिक हैं वो खुद बताएँगे कि कभी कॉल करने के ऊपर, कभी इस तरह से होने के ऊपर कोई वाकया सामने नहीं आए, वरना आज मंजर आम पे होते। तो वो पुलिस बड़ा इसको इंश्योर कर रही है कि हमारा कंप्लेनेंट जो है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी वो है वो हम इंश्योर करें, और उसको जो है वो इंसाफ जो है वो उसके अपने ज़िले में, उसके अपने थाने में, वहीं पर इंसाफ मिले उसको। जब एक कंप्लेंट मार्क होती है ज़िले में और जब वो वापस उसका रिप्लाई आता है, फिर क्या आगे प्रोसीजर होता है? देखिए, वो जैसे यहाँ पे सवालात पूछे जाते हैं, कॉल्स आती हैं, उनको जो है वो रजिस्टर करके ज़िलों में भेजा जाता है, SDPO को पाबंद किया जाता है कि जनाब उस पर फ़ौरन दोनों पार्टियों को बुलाएं, सुने, अगर एक पार्टी के मामले में तहकीक करें और उसके बारे में एक्शन लें, तो उसके जवाब हमें आना शुरू हो जाते हैं। ये जैसे एक सिंपल आप देखें कि एक जवाब किसी थाने से आया हुआ है, ये इसको पढ़ रहा है, असेस कर रहा है, अगर ये उसके अंदर फॉल्ट फाइंड करेगा और देखेगा कि जवाब मुनासिब नहीं है, सरसरी जवाब दे दिया गया है, प्रॉपर सुना नहीं गया है, या हमारी टीम्स बैठी हैं जो कॉल कर रही हैं उनसे पूछ रही हैं कि आपको DSP ने खुद बुलाया था क्या, आपने DSP ने आपसे खुद बात की है, तो अगर हमें पता चलता है कि DSP ने खुद नहीं बुलाया और उसको नीचे थाने भेज दिया है, तो हम इस पर एक्शन लेते हैं, हम यहाँ से उसके मिसकंडक्ट्स बनवा के जो है वो भिजवाते हैं उसके रीजन के अंदर भी, और यहाँ जो हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसमें भी हम उसको जो है वो बुला के उसकी जो है सरजनिश करते हैं उसकी।